देवरिया हत्याकांड में जिनकी हत्या कर दी गई है, प्रेमचंद्र यादव जी के घर पर एक नोटिस चिपना दी जाती है जिस पर लिखा रहता है कि A1 विभाग की ज़मीन है, यानी सरकारी ज़मीन है। लेकिन जब प्रेमचंद्र यादव जी का घर बनता है तो वन विभाग टीम को नहीं मालूम रहता कि ये उनकी ज़मीन है, ये सरकारी ज़मीन है। अब उनको मालूम पड़ता है। प्रेमचंद्र यादव जी की बेटी कहती हैं कि ये उनके दादाजी ने घर बनवाया है जो आर्मी में पहले थे। अब प्रेमचंद्र यादव जी के घर को गिराने की तैयारी चल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिखा है, देवरिया कांड में अगर किसी भी पक्ष के साथ अन्याय हुआ तो ये भी एक अपराध होगा। शासन प्रशासन का दायित्व है कि वातावरण को तनाव मुक्त करे व रखे और कोई ऐसा भी काम ना करे जो माहौल बिगड़े। शांति की कोशिश का अंत किसी की हत्या या हत्या का प्रतिकार नहीं हो सकता और ना ही ऐसा वरदाते किसी सत्ता के लिए सियासी फायदा उठाने का मौका होना चाहिए। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया है। देवरिया हत्याकांड में दोनों परिवार वालों का नुकसान हुआ है, इस पर किसी को राजनीति नहीं करना चाहिए, ना ही एक तरफा भी कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों तरफ से नुकसान हुआ है, पहले किसने हत्या की है पहले इसको पता लगाना चाहिए।